नमस्ते दोस्तों, जेसीबी का जो आखिरी जो रेयर व्हील होता है उस रेयर व्हील से ही मशीन को ताकत मिलती है, टॉर्क मिलता है। और उसके अंदर में क्या-क्या सिस्टम्स होता है इसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आज उसके अंदर का जो क्राउन व्हील पिनियन हम लोग जो बोलते हैं उसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये आप रेयर एक्सल देख रहे हैं, रेयर एक्सल से ही मशीन को पूरा आखिरी फाइनल ड्राइव भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। फाइनल जो आउटपुट है वो रेयर एक्सल से मिलता है। तो अभी वो कैसा होता है, उसके अंदर में क्या-क्या सिस्टम्स होता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक ब्लैक बोर्ड के जरिए ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे हम जनरल लैंग्वेज में क्राउन व्हील पिनियन भी बोलते हैं। क्राउन पिनियन ये पिछली ही कुछ एक वीडियो में मैंने अभी इसके टोटल जो नेम्स थे वो भी बताया था, और इसके अलग अलग पार्ट होने के बाद में इसे क्या क्या बोलते हैं, इसका जनरल फंक्शन क्या है, ये सब हमने बताया था। तो ये जो सेंटर का जो बॉडी है, सेंटर के बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स है उसमें क्या क्या सिस्टम्स होता है ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो अभी इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जो अंदर का जो सिस्टम्स होता है, तो ये अभी सबसे पहले हम जैसे ट्रांसमिशन से होके पॉपुलर शाफ्ट इस योक में बैठता है, ये आप देख सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्रॉस भी हम लोग बहुत से बार बिठाते हैं, इसको योक बोलते हैं। योक के ऊपर ये थाली होता है, इसके अंदर के जैसे हम लोग चेक नट निकालेंगे, तो चेक नट निकालने के बाद में जैसे हम लोग चेक नट निकालते हैं, चेक नट निकालने के बाद में ये जो थाली है ये निकल आती है, इसे हम डिस्क भी बोलते हैं। और ये डिस्क के बाद में हम लोग अभी ये बड़ी डिस्क के बाद में एक ऐसा वाइशर होता है, और ये चेकनट को लॉक वाइशर होता है। ये लॉक वाइशर के बाद में हम थोड़ा जैसे ये ओपन करते हैं तो अंदर में एक इस तरीके का क्राउन व्हील सिस्टम होता है। इसके लिए पहले आपको तो दोनों जो एक्सल के जो लेग है ये लेग आपको ओपन करना है। लेग ओपन होने के बाद में ये सब सिस्टम्स आपको ओपन हो जाएंगी। तो ये बेरिंग्स उसके अंदर में है, और एक कोलेप्सिबल वाइशर है। कोलेप्सिबल वाइशर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत से बार हम लोग जब भी रिपेयर करते हैं तो कोलेप्सिबल वाइशर को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये बेरिंग्स आपको ध्यान में रखना है। ये इसका पिनियन होगा, ये क्राउन व्हील होगा। इसके ऊपर जनरली जेसीबी में 12 टीथ होते हैं और इसके ऊपर 32 यानी कि 32 टीट होते हैं, और ये अलग अलग मशीनरी के हिसाब से होता है। क्राउन व्हील पिनियन का सबसे मेन काम ये होता है, जैसे ही इधर से मोशन आता है, इस साइड से जैसे ही मोशन आता है तो उसे कन्वर्ट अलग साइड में करना, यानी कि इस साइड की जो मोशन है वो इस साइड में करना सीधे, यानी कि 90 डिग्रीज में जो मोशन है उसे कन्वर्ट करने का काम, और एक कांस्टेंट स्पीड में, यानी कि अभी ट्रांसमिशन आगे लगा हुआ है, गियर बॉक्स आगे लगा हुआ है, उसमें कुछ तो भी एक स्पीड है, यानी कि मान लो वो 1 मिनट में 20 बार वो पॉपुलर शाफ्ट को घुमा रहा है, तो उसको कांस्टेंट स्पीड में उसको रिडक्शन करना और उसमें ताकत पैदा करने का काम क्राउन व्हील पिनियन का होता है। इसके आगे भी और कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं, इसके बारे में भी व्हील गियर पिनियन सेट उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो अभी ये जो है ये क्राउन व्हील पिनियन में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। हम लोग जब क्राउन व्हील पिनियन जब कुछ गाड़ी में डालते हैं तो उसका बैकलैश बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैकलैश सेटिंग होना चाहिए, तो प्रॉपरली मैकेनिक जो होते हैं उनको वो बैकलैश सेटिंग समझता है। अगर नहीं भी आपको कुछ उस बैकलैश सेटिंग के बारे में, यानी कि जब हम लोग क्राउन व्हील पिनियन डालते हैं तो बैकलैश सेटिंग जब हम लोग करेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग आपको जरूर बताएंगे। तो अभी ये सब होने के बाद में बैकलैश सेटिंग आपको करना बहुत महत्वपूर्ण है। बैकलैश सेटिंग के बाद में
अभी हम लोग आपको पूरा ये सिस्टमेटिक उसका डायरी सेटिंग के बाद में आप लोग क्राउन व्हील पिनियन लगा सकते हैं। तो आप लोग देखिए ये उसका बाहर का डिस्क के पीछे ये जो वाइशेस है, ये कंप्लीट जैसे आप लोग खोलते हैं पीछे का एक्सल का, तो इस तरीके का आपको टोटल इसका सिस्टम मिल जाता है। ये बेरिंग्स बहुत से बार ये क्राउन व्हील पिनियन जो है जेसीबी का खराब नहीं होता है। इसका खराब होने का मेन रीजन जो है कि क्राउन व्हील पिनियन में ऑयल ना होना। तो जेसीबी में आप लोग जरूर ऑयल देखते जाइए, अगर आप लोग प्रॉपरली ऑयल नहीं देखते हैं, ऑयल लेवल्स नहीं देखते हैं, तो आपका क्राउन व्हील पिनियन जरूर जरूर जल्दी खराब हो जाएगा। तो बहुत से बार इसके टीथ जाते हैं, तो ये दोनों भी सेट में ही मिलते हैं, ये सिंगल सिंगल आता नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी जो बनाती है तो उसके इसके टीथ उसे मैच करके ही देती है। इसी के लिए क्राउन व्हील पिनियन यानी कि क्राउन व्हील और पिनियन दोनों जो है वो एक सेट में ही आते हैं। तो जब भी अगर ये खराब होते हैं तो उनका पूरा दोनों को ही आपको चेंज करना है। तो अभी आगे हम ऐसी इसके अंदर के और भी पूरे सारे डिटेल्स पार्ट्स लाते रहेंगे, खाली इसके बाद इसके ही नहीं, रेयर एक्सेल की नहीं, तो जेसीबी के हर एक पार्ट्स के हम आप लोगों तक उसका पूरा डिटेल नॉलेज देते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरा जो जेसीबी गुरु है उसे आपको तो मालूम है क्या करना है। अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।